दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गलती से डिलीट हुए कॉन्टैक्ट वापस कैसे ला सकते हैं। अगर फ़ोन से आपसे कोई भी कॉन्टैक्ट गलती से डिलीट हो गया हो या आपसे सारे ही कॉन्टैक्ट डिलीट हो गए हो गलती से, तो उन्हें आप कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कॉन्टैक्ट दिखाता हूँ और वो सारे कॉन्टैक्ट जितने भी हैं मैं आपको डिलीट करके दिखाऊंगा, फिर उन्हें मैं रिस्टोर वापस ला के भी दिखाऊंगा। तो ये आप चलते हैं, ये मेरे आप कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट देखेंगे 614 कॉन्टैक्ट लिखे हुए हैं। इस फ़ोन के अंदर भी मेरे पास 614 कॉन्टैक्ट हैं। ठीक है, तो ये 614 कॉन्टैक्ट जो है मैं अभी इन सबको डिलीट करता हूँ आपके सामने। ये तीन डॉट पर हम गए, डिलीट मल्टीपल कॉन्टैक्ट है, इस पर हमने क्लिक किया, ऑल कॉन्टैक्ट आ रहा है सबसे ऊपर, सेलेक्ट ए कॉन्टैक्ट सोर्स, कॉन्टैक्ट पे हमने टैप किया, अब सबसे ऊपर आ रहा है सेलेक्ट ऑल, हम सेलेक्ट ऑल कर देते हैं सारे कॉन्टैक्ट। तो 614 जो कॉन्टैक्ट हैं इस समय मेरे डिवाइस में, वो सारे सेलेक्ट हो चुके हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर। अब मैं ऊपर जो राइट का जो टिक है इस पर मैं टैप करता हूँ, तो डिलीट मल्टीपल कॉन्टैक्ट, ये तो मैं आपको जानबूझकर डिलीट करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो ओके का जो बटन है मैं इस पर टैप करता हूँ। अभी आप देखेंगे मेरे जो 614 कॉन्टैक्ट हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। और यहाँ मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हम जितने भी कॉन्टैक्ट जो आपको मैं दिखाए थे 614 कॉन्टैक्ट, वो डिलीट हो जाएंगे। और जब हम कॉन्टैक्ट रिस्टोर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो है डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट भी साथ में आए, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट ना आए। तो हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे हमारे पास, वो कहाँ से वापस लाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो सारे कॉन्टैक्ट इसमें रिस्टोर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जो जो मैं इसमें आपको बातें बता रहा हूँ या करके दिखाऊंगा जो भी स्टेप इसमें, वो आप ध्यान से फॉलो करना, तो आप अपने कॉन्टैक्ट जो है उन्हें वापस भी ला सकते हैं जो कि आपसे गलती से डिलीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सारे कॉन्टैक्ट जो भी थे वो डिलीट हो चुके हैं। अब मेरे लिस्ट के अंदर कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। अब उन्हें रिस्टोर कैसे करेंगे, तो हम होम स्क्रीन पर आते हैं। तो कॉन्टैक्ट आपने अभी देख लिए, कॉन्टैक्ट मेरे फ़ोन के अंदर एक भी नहीं है। अभी हम कॉन्टैक्ट वापस लाएंगे, उसके लिए आपका फ़ोन का जो डेटा है या नेट ऑन होना चाहिए। तो मैं अपना वाईफाई कनेक्शन ऑन कर लेता हूँ, उस हम चलते हैं फ़ोन की सेटिंग में। तो ये हम फ़ोन की सेटिंग में आ चुके हैं। इसमें जो आपको ऑप्शन ढूंढ रहा है गूगल का, देखिए गूगल का ऑप्शन है, इस पर मैं टैप करता हूँ। अगर आपके फ़ोन के अंदर गूगल का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप देखिए सेटिंग के अंदर या किसी और फंक्शन के अंदर आपके फ़ोन के अंदर ही गूगल का ऑप्शन होगा। टैप करने के बाद इस तरह की आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी लिखी हुई है, तो आपके फ़ोन के अंदर जो भी ईमेल आईडी होगी वो वहाँ पर मेंशन होगी। अब इसी पेज पर हम सबसे लास्ट में आ जाते हैं, इसी पेज पर नीचे आपको मिलेगा सेटअप एंड रीस्टोर, सेटअप एंड रीस्टोर पर टैप करते हैं। इसमें तीन ऑप्शन आ रहे हैं, हमें कॉन्टैक्ट रिस्टोर करने हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है रिस्टोर कॉन्टैक्ट, इस पर हम टैप करते हैं। एक बार ध्यान रखिए, आपका फोन का जो नेट है या डेटा जो है ऑन होना चाहिए। आप टैप करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे आ रहा है करंट डिवाइस, इस पर हम टैप करते हैं। टैप करने के बाद लिखा है डिवाइस स्टोरेज 2276 व्यू कॉन्टैक्ट, यानी कि 2276 कॉन्टैक्ट मेरे फ़ोन के अंदर स्टोरेज में कहीं ना कहीं सेव हैं। ठीक है, अगर मैं इसे अनटिक कर देता हूँ तो मेरे जो कॉन्टैक्ट हैं वो रिस्टोर नहीं होंगे। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, तो मैंने आपको 614 कॉन्टैक्ट दिखाए थे, लेकिन मेरे कुछ कॉन्टैक्ट जो कि मेरे फ़ोन के अंदर दो सिम हैं या जीमेल पर जितने कॉन्टैक्ट हैं उन सबको मिलाकर जितने भी 2276 कॉन्टैक्ट दिखा रहा है ये। तो अभी हम रिस्टोर करते हैं, फिर देखते हैं कितने कॉन्टैक्ट आते हैं। तो मैं रिस्टोर के बटन पर टैप करता हूँ। तो यहाँ पर रिस्टोर कॉन्टैक्ट चल रहे हैं, देखिए। तो 614 कॉन्टैक्ट मैंने आपको डिलीट करके दिखाए थे, अभी देखते हैं इसमें कितने कॉन्टैक्ट हमारे रिस्टोर होते हैं।
ये जो मैंने कॉन्टेक्ट रिस्टोर करे हैं, ये मेरे फोन के अंदर मैंने अपने डिवाइस में जो ईमेल आईडी है, जिस भी ईमेल आईडी से मैं लॉगिन हूँ इस फोन के अंदर, उस ईमेल आईडी पर मैंने कॉन्टेक्ट पहले ही सिंक कर रखे थे, जिस वजह से मेरे कॉन्टेक्ट डिलीट होने के बाद भी रिस्टोर हो जाएंगे। तो अगर आपको नहीं पता कि फोन के कॉन्टेक्ट जो है सिंक कैसे करते हैं, तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कॉन्टैक्ट कैसे सिंक करते हैं अपनी ईमेल आईडी पर, जिससे कि बाद में कभी भी आपके कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं तो उन्हें आप इजीली रिकवर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 360 कॉन्टैक्ट जो है रिस्टोर हो चुके हैं। अब देखिए 580 हो चुके हैं और जल्दी ही हमारे कॉन्टेक्ट जो हैं वो उसमें रिस्टोर हो जाएंगे। देखिए रिस्टोर कॉन्टेक्ट, तो सारे हमारे जो कॉन्टेक्ट हैं वो रिस्टोर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम होम स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ से हम बैक कर देते हैं या होम स्क्रीन पे डायरेक्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 605 कॉन्टेक्ट आए हैं। तो इस तरीके से आप आपके फोन से अगर कॉन्टेक्ट डिलीट हो जाते हैं गलती से, तो ना आप इजिली रिकवर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं।